स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल साडी धरती साडे लोक। हड़ तां पीड़ित इलाकों के लगातार जिहड़ियां समस्यावां वो जागर हो रही, बेशक दी अज आपां गल करदे आं। 10 तरीक हैगी है, दुपहर दे कोई 1:30-2 वज चुके आ, लेकिन समस्यावां लगातार वध रहीआं ने। पाणी बेशक दी जिहड़ा घट गया हैगा पिछले 5-7 दिन तों 8 दिन तों, कुछ जमीनों के जिहड़े रस्ते साफ हो गए आ जां जमीनों के विच पाणी लथ गया, लेकिन जो जमीनों के हालात ने जो बोरां दे हालात तुसीं वी देख सकदे हो कि बोरां दे विच जिहड़ा ये लगातार जो आप गल करते हैं तो जो कुतुबद्दीन वाले का रकबा हैगा और इतने होर भी जिन्हें लागे लागे कोई बोर चल रहे हैं देख सकते हो पानी किस तरह पानी की की हिसाबताब है, तो जमीनों के हालात भी इतों दिखा दें। वेखो भी किस तरह जोड़ा इतने किसी समय के अज तो जेकर आप गल करते हैं 50 दिन पहला इतने हरी भरी फसल सी और व्डे पद्धर तुम देख सकते हो एक भी जोड़ा बूटा है ज कह सकते भी झोने का एक भी बूटा इस टाइम जितों तक भी तुम निगाह मारो मगर तोड़ कितने पानी खड़ा कितने कुछ व्डे पद्धर से रुख डिगे हुए आ बिजली के खंभे डिगे हुए आ। सो इधर भी तुम देख सकते हो जो दरख्तों का हालात आपां पिछे निशान भी विखावे कितों तक जिहड़ा पानी के निशान इत्थे रहे हैगे आ। पिछले दिनों इत्थे करीब 7-7 फुट 8-8 फुट जिहड़ा पानी चढ़िया हैगा, इत्थे पानी चढ़िया हैगा। आपां तुहानूं अंदर भी हालात विखा दिंदे आ, जो कोठी के अंदर भी हालात हैगे आ और वह भी निशान विखावे जिथे पानी रहा है। तुसी एक बारी अंदर भी निगाह मार लो कि कोठी दे विच जो अंदर हालात रहे आ, तुसी देख सकते हो कि देख लो किन्नी किन्नी गेड़ी गब चढ़ी हुई है इधर और वड्डे पद्धर ते जिहड़ा कोई कोई बूटी वगैरह भी अंदर पई हुई है। और दूसरे बन तुहानूं इह भी निशान विखाउणे आ कि बेशक दी हुण वेखण नूं इह हालात आम लगते आ, लेकिन इस जगह दे उत्ते तुहानूं इह निशान भी विखा दिंदे आ, इतने निशान भी तुम विखा देने। इस तो उपर पानी रहा, हालांकि ट्रांसफार्मर जो नीचे तक जिते जाली लगी हुई उतों तक पानी रहा पिछले दिनों के लगातार, जो दूसरी बार तीसरी बार जो पहली बार पानी आया सी इतों तक जो निशान है लगभग 7-8 फुट जो पानी बनता है कि उत्थे जो निशान रहे। बाई जी हुणा नाल गलबात भी करावांगे जिन्हां दा खेत हैगा जी। बाई सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की नाम जी अपना? रमिंदर सिंह जी। की कहना चाहोगा अज तुहाडे कोल असीं आए हाँ, हालात जो है तस्वीरां बयान करदे की कहना चाहोगे? हालात देख लो, अज 10 सितंबर हो गया जी, अजे तक साडे खेतां च पानी खड़ा है, बोर चलाई दे आ, बोर नेरी मिट्टी कढ रहे आ जी, ते सरकार ने मुआवजे दी तां चलो कीती आ 2800 रुपए दी, ते हुण साडे बोरां दा वी कोई ना कोई हल कीता जावे। असीं इहदा हुण क्योंकि आउण वाले समें च हुण बोर तां चलणे नहीं गे, थले सलाब तां जे मुकदी नहीं गी ते बोर होर आ वी बोर जाम हुंदे जांदे आ वी पाणी कढ्ढण तों थोड़ा चिर चल के ते बोर बंद हो जांदे आ, पाणी कढ़ना छड्ड जांदे आ। जमीनां दे की हालात हैगे विच? जमीनां दे हालात तुहाडे सामणे ही आ, अजे तक पाणी सुक्या नहीं गा, विच नंग जी ते मिट्टी वी पई होई आ, विच खुब जाईदा निकले ही नहीं जांदा, तुरना वी मुश्किल होया पिया जमीनां दे विच तां जी। ते हुण अगे की तुहाडा की कोशिश रहूगी जमीन नूं वाया जावे जां किस तरह तैयारी की तुसीं सोच की रहे दिमाग दे विच? वाउण नूं तां हुण पाणी सुकूगा, उहदे बाद च ही वाह के देखांगे वी हाँ वी किन्ने थले हुण सेम वर्गे हालात होए पए आ, पाणी मतलब कि जमीन सुकदी नहीं गी, थल्यों गिल्ली गिल्ली निकली आउंदी आ, ते कुछ अजे बीजन ते वाह वाह के सुकाउणे आ, फिर जिद्दां वी होऊगा कणक तक। मुआवजा वगैरह कोई मिलिया थोड़ा बाला इधर जिहड़ा? नहीं अजे तक सानूं नहीं मिलिया, वैसे कईआं नूं मतलब कि कईआं दे खाते जा गए आ। 800 रुपये 800 रुपए के हिसाब से 5 किलियां तक दे ही आया जी, 5 किलियां के उपर किसी कोई कमरा वगैरह ते होर नुकसान ते सिर्फ अजे जमीन नहीं, अजे जमीन दे ही आ, ते वह भी सारिया ने नहीं, कुछ बंदियां दे आए आ, बाकी सारिया दे किसी दे नहीं आए, मतलब के 5% गिन सकते हैं भी हाँ जी पिंड दे विचों आए। जिहड़ा वी दूला सिंह वाले दा रकबा हुंदा जी? दूला सिंह वाले दे कुछ नहीं आए जी, कल्ले कुतुबद्दीन वाले दे ही आए। अच्छा, दूला सिंह वाले दे? दूले सिंह वाले दे एक भी खाते जी अजे तक पैसे नहीं आए। ठीक है भाई, धन्यवाद। बाई जी हुणा दे भी नाल खेत हैगा इत्थे, उहनां दी समस्या हैगी वी जिहड़ा पाणी है जिहड़ा मोटर वो कदी जिहड़ा इंज लग रहा जिवें बोर इहनां दा वी बाई हुणा दा खराब हो गया, जिहड़े मोटर जिहड़े बोर चले हैगे आ, सो उत्थे असीं कवरेज करन वास्ते पहुंचे आ। बाई जी की हालात की हैगे आ, जिहड़ा तुहाडे बोर वी असीं वेख्या की कहोगे? हाँ जी भाई, सत श्री अकाल जी, गुरप्रीत सिंह दुलेला। भाई हालात इदां कि सब तो पहला पानी आने नाल सड़कां भी टुट गईयां, बहुत ज़्यादा नुकसान होया, तो हुण देख लो अज तकरीबन 10 दिन हो गया पानी हटे नूं रस्ता चले नूं, हुण जदों दा असीं मोटरां चलाउने आ मोटरां विच पानी आउंदा गंदा पानी आउंदा ते कदे हट जांदा, यानी कि बोर भी नुकसान हो गए आ। ते जित्थों तक जे देखिए मुआवजे दी गल, ओह बिल्कुल किसी तरह की कोई गल नहीं गई, मुआवजा ना आया तो ना आते कोई चांस था, अगे देखो की बनता। बाकी हालात जोड़े बहुत खराब हो गए, जमीन भी मिट्टी पै गई, हुण इहनू आउंदे लई भी काफ़ी मेहनत करनी पैनी आ, वड्डे ट्रैक्टर चाहिए आ, छोटे ना नहीं होनी, ना जमीन जल्दी सुकनी आ,
सेम दे हालात भी बने पे आ। फिर उस तो अगे जरा पानी खड़ा है, पानी जो सुकूगा सुकदा सुकदा हूँ बीमारियाँ फैलन का भी बहुत खतरा है। इस तरह बहुत नाजुक हालात बने हुए हैं। जिवें आपां नदीन वगैरह भी गल की, जमीन नदीन वगैरह भी काफ़ी है। हाँ जी, नदीन वगैरह काफ़ी है गया। तो इस तो बिना बोरों का सब तो वड्डा नुकसान जरा एंड ते आपां देखिया है, बाकी नुकसान तो आप सारा आप देख ही लिया। बिजली वगैरह का नुकसान भी होया इधर काफ़ी, खंभे खुंभे का किस तरह सप्लाई ठीक है हूँ? बिजली का फिलहाल अज तक तो नहीं देखा गा। अच्छा, शायद सिंगल फेज से प्रॉब्लम आती रही होगी, थ्री फेज तो चलो उदो बंद कर दिते सीगे। हाँ जी चले होना, सिंगल फेज बारे पता नहीं होगी। साडा पिंड दूला सिंह वाला जमीन अपनी इधर कुतबदीन वाले चा। हाँ जी, कुतबदीन का वैसे एरिया कितना? वैसे तकरीबन 750 करीब है जी। अच्छा, पंचायती जमीन में हैगी कुछ आमलेट वगैरह कि नहीं? हाँ जी, माल की। हाँ जी, हाँ ठीक है भाई जी, धन्यवाद जी। सो होर भी तुहानू असीं तस्वीरां विखा दिंदे आ कि किस तरह के जो हालात है बई हुणां इत्थे मोटर चलाई हैगी। कल असीं तस्वीरां वेखियां, अच्छ कवरेज करन वाला मिलदा, पानी भी घट गया बोर का, मिलदा पानी भी घट गया हैगा, तुसीं लाइव तस्वीरां देख सकते हो। तो की हालात की है, बड़ा वड्डे पद्धर ते खर्चा आउंदा इक बोर नूं कराउण वास्ते, बड़ी वड्डी समस्या हैगी किसानां वास्ते। कि जिथे होर मुआवजे की आप गल करते हैं, बड़े प्रचार भी जा रहा किसी जमीन वाहनिया जी किस तरह, यह समस्या भी बड़े वड्डे पद्धर से आने वाले समय के इस इलाके जिथे हड़ा का पानी रहा वो समस्या आ सकती है। सो इस वीडियो में वो शेयर करना, और इस चैनल जो सा चैनल है साड़ी धरती साड़े लोग और फेसबुक पेज उन्होंने वो सबसक्राइब शेयर करना। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।